आपका मोबाइल हवर पे, मैं हूँ कुंशा। तो चले स्टार्ट करते हैं इस हफ्ते की सबसे बड़ी न्यूज़ पे। न्यूज़ ये कि मिजस, जिन्होंने MWC बार्सिलोना 2017 पे एक फ़ोन लॉन्च किया है जो दावा कर रहा है कि 3000 mAh बैटरी 30 मिनट में चार्ज कर सकता है। ये तो देखने वाली बात होगी वो कितने मिनट में चार्ज करेगा, पर वो दावा कर रहा है कि वो आईफोन से 11 टाइम्स ज़्यादा फास्ट चार्जिंग करेगा और सैमसंग से 3.6 टाइम्स। चलिए ये तो हो गया। अब दूसरी बात आती है कि नोकिया ने अपने स्मार्टफोन्स इंडिया के फोक्सॉन कंपनी को बनाने के लिए दिए, जो कि शायद जून या जुलाई में लॉन्च हो सकते हैं। तो ये हो गई नोकिया की बात। अब मोटोरोला G5 और G5 प्लस की डेट आ चुकी है इंडिया में, वो लॉन्च होने वाला है 15 मार्च। तो इंडियन यूजर्स के लिए काफ़ी अच्छा मौका होगा कि फर्स्ट टाइम में वो ग्रैब करें मोटोरोला G5 और G5 प्लस, जैसे कि आपको पिछली वीडियो में मैंने आप उसके स्पेसिफिकेशंस बताए। अब न्यूज़ आती है ओप्पो की। ओप्पो ने एक नया फ़ोन लॉन्च किया है 5X, जिसमें उसने कैमरे में ऐसी टेक्नोलॉजी लाई है कि एक 3.7 इतने इंचेस में 50 पार्ट्स बिठाए, जो कि दावा कर रहा है कि वो सबसे बेस्ट कैमरा होगा दुनिया का, आईफोन को आईफोन से भी आगे होगा, ताकि उसमें जूम सब टेक्नोलॉजी होगी। और बात आ रही है अभी सैमसंग S8 जो लॉन्च होने वाला है 29 मार्च को, लेकिन अभी तक उसका कंपनी ने कुछ डिसाइड नहीं किया है कि उसकी प्राइस क्या होगी, समथिंग वगैरह वगैरह एंड। तो ये प्राइस डिसाइड नहीं किया अभी तक और उसके स्पेसिफिकेशंस भी लीक नहीं हुई है। अब बात करते हैं जियोनी के नए ए सीरीज की, जो कि उन्होंने बार्सिलोना के एक स्टेज पे लॉन्च किया है कि ए और A1 प्लस 3000 और 3105 mAh बैटरी पे लॉन्च होगा, और उसमें काफ़ी मीन्स 2 या 3 आवर में बैटरी चार्ज होनी चाहिए, ऐसा फुल चार्ज का उन्होंने दावा किया हुआ है। और दोस्तों बात आते हैं, कोई लोगों ने मुझे पूछा था कि कॉलेज या समथिंग में कि भाई ये एंड्रॉयड नुगे 8 मार्शमेलो इनके नाम कैसे पड़े, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये अब एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी जब एंड्रॉयड का पहला वर्जन लॉन्च हुआ था 1.0, जिसका नाम था Base 11। तो उनको ऐसी आइसक्रीम के नाम आने के बाद सुझा था कि भाई हम आइसक्रीम के नाम के वर्जन रखते जाते, तो उसके बाद किटकैट आपको जैसे कि पता है जिंजर ब्रेड वो सब आते हैं वगैरह वगैरह, अभी जैसे कि लेटेस्ट नुगेट आए। और बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भाई नुगेट अपडेट करना बेटर है या मार्शमेलो, तो उसकी भी मैं कल स्पेशल वीडियो डालूंगा कि भाई नुगेट और मार्शमेलो में क्या डिफरेंस आया हुआ है। और बात करना चाहता हूँ अभी इस हफ्ते की ट्रेंडिंग न्यूज़ की कि आईफोन 8 ये लॉन्च होने वाला है या नहीं। तो बहुत आईफोन कंपनी ने बोला है कि आईफोन 8 अपना अगले साल में लॉन्च करेंगे, जिसकी प्राइस अप टू होगी $1000 मीन्स $1000 इन US और इंडिया में पता नहीं कहाँ तक आता है। और बात करते हैं 5G जो आने वाला है 10 Gbps और अपलोड स्पीड 10 Gbps देने वाला है। ऑन पेपर तो पढ़ने के लिए अच्छा लग रहा है, लेकिन देखते हैं अब रियल में कितना देगा ये। तो शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे।